हेलो एवरीवन, आवाज़ आ रही है? पिछले लेक्चर में आखिरी का 15 मिनट जो था उसमें लेक्चर में मैं लिखता चला गया, लेकिन ऑडियो रिकॉर्ड नहीं हुई, ठीक है ना? तो ऑडियो में गड़बड़ हुई थी, तो उतना पोर्शन मैं फिर से बोल दे रहा हूँ। ये वाला क्वेश्चन हम लोगों ने यहाँ किया था और इसके बाद से ऑडियो नहीं आ रही थी, राइट? तो चलो ठीक है, इसके बाद से करते हैं। इसके बाद मैंने ये वाला क्वेश्चन किया था जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। एक्स पर माइनस वन अपॉन एक्स एक्स की एक्स की पावर फोर स्टेप से, तो देख के पता चल रहा है क्या करना है ना? देख के ही पता चल रहा है कि हमें क्या करना है इसमें। हम इसमें से वो कॉमन ले लेंगे, हाईएस्ट डिग्री। तो जब हमने हाईएस्ट डिग्री कॉमन ली, तो अगर एक्स की पावर फोर को तुम कॉमन लोगे तो बाहर क्या आएगा? एक्स स्क्वायर। तो अगर बाहर एक्स स्क्वायर आएगा तो इधर क्या बनेगा? एक्स क्यूब बनेगा। अब एक्स क्यूब को एक्स स्क्वायर माइनस वन से डिवाइड करेंगे। जब डिवाइड करेंगे एक्स क्यूब को एक्स स्क्वायर माइनस वन से, तो क्या आएगा? वन अपॉन एक्स आएगा माइनस वन अपॉन एक्स क्यूब आएगा, बिल्कुल। अब देखो ये, अब हम क्या करते हैं ज़्यादातर क्वेश्चन में, हम इसको क्या कर लेते हैं, इसको टी मान लेते हैं। और फिर ज़्यादातर क्वेश्चन में हो क्या रहा था अभी तक, क्या हो रहा था? ये पूरा क्या आ जा रहा था? ये पूरा डी टी आ जा रहा था। यही तो होता है सारे क्वेश्चन हम लोगों ने अभी करे हैं, उसमें ये टी हो जा रहा था, ये डी टी हो जा रहा था। पर अगर अब तुम ध्यान से देखो तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? वन का डिफरेंशिएशन क्या होगा? जीरो। फिर थ्री बाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा? माइनस नाइन बाई एक्स क्यूब। फिर वन बाई एक्स की पावर फोर का क्या होगा? माइनस फोर बाई एक्स की पावर फाइव। जबकि ऊपर क्या लिखा हुआ है? एक्स और एक्स क्यूब में है आंसर। तो व्हाट डज दिस मीन? इसका मतलब ये होगा कि जो हाईएस्ट डिग्री जो तुमने कॉमन ली है इसमें से, ये तरीका हो गया गलत, क्योंकि जब तुमने इसको किया तो सब्स्टिट्यूशन गलत हो गया यहाँ पर, ठीक है? तो आप जाओ तुम अपनी उस पर जो मैंने हेडिंग लिखी थी स्टार्टिंग में, कि अगर हाईएस्ट, अगर इससे बात ना बने, अगर हाईएस्ट डिग्री ना बने, यानी कि सब्सटीट्यूशन ना हो पाए। आप समझ में आया क्या मतलब था इसका? सब्सटीट्यूशन ना हो पाए तो लोएस्ट नहीं, लोअर डिग्रीज पर जाओ, है ना? मतलब लोअर डिग्रीज को ट्राई करना पड़ेगा इस क्वेश्चन के लिए। अब हमें लोअर डिग्रीज को ट्राई करना पड़ेगा, तो ट्राई करते हैं फिर। एक्स की पावर फोर, अब एक्स की पावर फोर के साथ लोअर डिग्रीज कौन सी हैं? एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर, एक्स। अब देखो, सबसे पहले जो मेरी सजेशन है वो ये है कि जो क्वेश्चन हो पहले वो ले लो। जैसे एक्स स्क्वायर है तो पहले मैं इसको ट्राई करूंगा, अगर इससे भी बात नहीं बनी तो फिर मैं इसको ट्राई करूंगा, अगर इससे बात नहीं बनी तो फिर मैं इसको ट्राई करूंगा। मतलब इस तरह से तुम सोच सकते हो। तो एक्स स्क्वायर को एक बार ट्राई करते हैं। तो अगर मैंने एक्स स्क्वायर कॉमन लिया, तो एक्स स्क्वायर जब तुम कॉमन लोगे तो बाहर क्या आएगा? एक्स। तो इधर क्या जाएगा? एक्स स्क्वायर। और अंदर क्या जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस थ्री प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर। मैंने क्या कॉमन लिया है? मैंने क्या कॉमन लिया है? एक्स स्क्वायर कॉमन लिया है, ठीक है? तुम्हारे जो नोट्स होने चाहिए वो बिल्कुल ऐसे होने चाहिए कि एक चीज क्लियर है अपने को। तो फिर क्या आ गया? एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस थ्री प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर, ये आ गया। अब जब तुम इसको डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? ऊपर क्या जाएगा? वन माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर। अरे भाई, जब तुमको डिवाइड करोगे तो ऊपर क्या जाएगा? वन माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर, और नीचे ये आ जाएगा। अब मेरी बात सुनो, अब यहाँ पे आता है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है ना? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्या, कि एक्स पा एक्स प्लस वन बाई एक्स का जब तुम डिफरेंशिएशन करते हो तो आता है वन माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर। जब एक्स माइनस वन बाई एक्स का डिफरेंशिएशन करते हो तो आता है वन प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर, ठीक है? फिर एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है? एक्स प्लस वन बाई एक्स होल का स्क्वायर माइनस टू। और इसको हम दूसरी तरीके से लिख सकते हैं, एक्स माइनस वन बाई एक्स का होल स्क्वायर प्लस टू। इतना अगर तुम्हें आता है देन यू कैन डू मेनी थिंग्स, मतलब इससे तुम बहुत सारा काम निकाल सकते हो अपना। तो इधर देखो, हमारे पास क्या है? हमारे पास है वन माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर। ये तुम्हें कहाँ दिख रहा है इन चारों में से? मुझे तो यहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है। इसके ये कहाँ से आ रहा है? यार एक्स प्लस वन बाई एक्स से। ये जो चीज़ है ये कहाँ से आएगी? यार ये एक्स प्लस वन बाई एक्स से। तो डिनोमिनेटर में तो कुछ दिख रहा है, डिनोमिनेटर में दिख रहा है एक्स प्लस वन बाई एक्स पर, वो रहा यहाँ। अब यहाँ से तुम्हें ये चाहिए एक्स प्लस वन बाई एक्स, तो वो कहाँ से लाऊंगा मैं? ये रहा, इसलिए एक्स प्लस वन बाई एक्स का होल स्क्वायर माइनस टू, ठीक है ना? तो नीचे क्या बना लिया? एक्स प्लस वन बाई एक्स का होल स्क्वायर माइनस टू, ये बन गया, ठीक है? और ऊपर क्या बन गया? वन माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर, ठीक है? समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं? ठीक है, बस ये तुम्हें इसलिए थोड़ा बहुत टफ लग रहा होगा मे बी, क्योंकि ऐसा था, मतलब ये चीज़ हमें पता नहीं थी। जब पता होगी तो तुम्हें कुछ भी नहीं लगेगा, आप तुम्हें याद होगी ये चीज़, है ना? तो ये चीज़ याद होगी। अब इसके बाद हम लोग पता है कितने क्वेश्चन करा ले, लगभग 50 50 तो नहीं, खैर 30 क्वेश्चन के आसपास करूंगा मैं इसी चीज़ के ऊपर, सिर्फ सिर्फ इस टॉपिक के ऊपर। अब इसके आगे करेंगे, अभी टेंशन मतलब अभी तो पूरी थोड़ा डालूंगा इस टॉपिक को। पीएचडी बोला मैंने, पीएचडी मजाक करने के लिए नहीं बोला, पीएचडी। अब क्या होगा? अब देखो, अगर मैं इसको टी मान लूँ तो ऊपर क्या लिख गया? ऊपर लिख गया डी टी, सही है ना? तो अगर ये डी टी है और ये क्या है? ये टी है, तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया तुम्हारा। डी टी अपॉन रूट के अंदर वन प्लस टी स्क्वायर, ये कहाँ पे आता है? ये कहाँ पे आता है? ये वो वाला फॉर्मूला हो गया तुम्हारा, वो याद है? डी एक्स अपॉन रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन, ये क्या होता था बताओ? फॉर्मूला याद है इसका? ये होता था लॉग के अंदर एक्स प्लस यही प्लस सी, वही तो लिखा हुआ ये। तो उसको टी में डाला, फिर टी की वैल्यू इसमें डाल दी, टी की वैल्यू क्या थी? एक्स प्लस वन बाई एक्स। तो अंत तुम्हारा आंसर आ गया। तो ये एक बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल था, एक सॉलिड एग्जाम्पल था, जिसमें तुम्हें एक्स स्क्वायर कॉमन लेना था, एक्स की पावर फोर कॉमन नहीं लेना था। अब देखो एक और क्वेश्चन करते हैं। तो इस क्वेश्चन क्या करना है? इस क्वेश्चन में अगर तुम देखो तो ये क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं। जब हमने इसको पहले किया था तो हमने क्या किया था? जब हमने इसको पहले किया था तो क्या किया था? जब हमने इसको पहले किया था ना, तो मैंने यहाँ पे फाइव है, ठीक है? तो मैंने क्या करा था, मैंने ऊपर बोला था, मैंने बोला था एक्स की पावर फाइव है, एक्स की पावर फाइव का डिफरेंशिएशन होता है फाइव एक्स की पावर फोर, राइट? तो फाइव एक्स की पावर फोर होता है,
तो अगर 5x की पावर 4 होता है, तो मैंने बोला था कि ऊपर लिख लो 5x की पावर 4, और नीचे अगर अगर तुमने ऊपर 5x की पावर 4 लिखा तो नीचे तुम्हें x की पावर 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो नीचे क्या बन गया x की पावर 5। फिर मैंने बोला था x की पावर 5 प्लस 1 को अगर तुम टी मान लोगे तो ये क्या लिखा हुआ, ये लिखा हुआ है t-1, ऊपर का लिखा हुआ है dt, तो ये शॉर्ट फॉर्म में क्या बन गया, ये बन गया। इससे हमें ये पता है क्यों, क्योंकि जब भी ऐसा होता है ये दो मल्टीप्लीकेशन में होता है तो हम क्या बोलते हैं लॉग के अंदर छोटा अपॉन बड़ा, तो उससे आंसर क्या आता है, ये आता है। ये हम लोगों ने अभी तक किया था। इसके बाद मैंने तुम्हें दो क्वेश्चन और कराए थे इसी टाइप के, सेम टू सेम, बिल्कुल यही थे, याद होगा तुम्हें। एक था x³ + 1 करके और दूसरा था इस टाइप से करके, शायद x³ था, मे भी मुझे ऐसे कुछ याद आ रहा है। तो इस टाइप से क्वेश्चन हम करा चुके हैं बहुत सारे, ठीक है। तो अब इसका दूसरा तरीका देखते हैं, क्योंकि तुम्हारे दिमाग में ये डाउट आना चाहिए, यहाँ पे तुम्हारे डाउट में, तुम्हारे दिमाग में ये चीज़ आनी चाहिए डाउट में, कि ये भी तो हायर डिग्री है। मैंने क्या बोला है, मैंने बोला PhD करेंगे गंदी गंदी डिग्री पे, तो मुझे तो नहीं लगता किसी को x² बड़ी अच्छी लगती है, मेरे लिए तो ये भी गंदी है, क्योंकि x² का कोई फॉर्मूला नहीं पता, कुछ नहीं पता, राइट। x² तक सब पानी अच्छी है, उसके बाद सब बेकार है ना। तो फिलहाल अगर हम इसको गंदे वाले तरीके से देखें, गंदे वाले तरीके से नहीं मतलब कॉमन लेने वाले तरीके से, तो मैंने बाहर निकाला x³। जब तुम x² 5 आने वाले, तो एक्स में लाओगे x² 6 हो जाएगा, राइट। तो x² 6 ऊपर चला गया, तो ये हो गया 1/x² ऊपर, और ये क्या हो गया 1+1/x² 5। अगर तुम इसको टी मान लो तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1 का तो 0 हो जाएगा, 1/x² 5 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा -1, सॉरी -5/x². तुम्हारा ऊपर क्या आ चुका है, तुम्हारा आ चुका है 1/x² 6। अगर मैं इसमें ऊपर -5 और यहाँ पे भी लिख दूँ -5, तो हो जाएगा सॉल्व, राइट। तो ये ऐसे आ जाएगा -5 हो, ये क्या हो गया, अगर ये तुम्हारा टी है तो ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ dt। हो गया क्वेश्चन सॉल्व, ये आ गया तुम्हारा -1/5 log 1+1/x² 5 + c, क्वेश्चन सॉल्व। देखो भैया आंसर आया, क्योंकि यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे ये माइनस है, जब तुम इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा x³ 5 + 1/x² 5, राइट है लॉग के अंदर, और ये माइनस लगा हुआ है यहाँ पे, चलो 5 तो है ही, जबकि माइनस इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाता है लॉग के अंदर, इतना तो तुम्हें पता ही होगा, लॉग में करते हैं हम लोग ये काम। अब एक और क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन है जो इस कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड है, इस कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड है, वैसे तुम्हें ऐसे कोई हिंट नहीं मिलने वाला है कि इसमें हम ये वाला तरीका यूज करेंगे, ठीक है ना। तो कर सकते हो, वरना मैं ये बोलूंगा लीव इट, पहले समझते हैं क्या, फिर बताऊंगे क्या लीव इट है क्या नहीं है। तो इसमें हमने किया क्या, हमने इसमें से e की पावर x को बाहर निकाल लिया, इसमें से मैंने इसमें से e की पावर x को बाहर निकाल लिया। जब तुम e की पावर x बाहर निकालोगे तो क्या बन जाएगा, e की पावर 2x बाहर आ जाएगा। जब e की पावर 2x बाहर आ जाएगा तो ऊपर क्या है, फिलहाल ऊपर है e की पावर x, अरे यार e की पावर x है, इसमें से e की पावर 2x बाहर निकाला, तो e की पावर x ने इसको मार दिया, क्या हो गया e की पावर x। अब e की पावर x नीचे लिखा हुआ है, मैंने लिख दिया ऊपर e की पावर -x, तो इतना हो गया। तो हमारे पास फाइनल क्या आया, अगर तुम फाइनल देखोगे तो हमारे पास लिखा हुआ क्या है, e की पावर -x, e की पावर -x * cos x - sin x dx / 1 + e की पावर -x sin x का होल स्क्वायर, ठीक है बिल्कुल। अगर मैं इसको टी मान लूं, अगर इसको मैं टी मान लूं तो ये ऊपर क्या लिखा हुआ है, ऊपर लिखा हुआ है डी टी को, क्या कैसे लिखा हुआ है, तो देखो अगर तुम इसको डिफरेंशिएट करो, देखो इसको तुमने टी मान लिया, इसको अगर अपन डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आता है, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो आएगा 1 का तो 0 हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा e की पावर -x cos x - e की पावर, ये कहां से निकाला मैंने, ये आ गया प्रोडक्ट रूल से, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये पूरी नौटंकी क्या हो गई, ये हो गई dt के बराबर, ये पूरी dt हो गया, ये t हो गया, तो dt अपॉन t का स्क्वायर, ये स्क्वायर है ना, तो dt अपॉन t का स्क्वायर का आंसर क्या होगा, -1/t + c, ठीक है। तो t की वैल्यू इसमें डाल दी, तुम्हारा आंसर आ गया, ठीक है। पर क्या, तो मैं इसको सजेस्ट करूंगा कि तुम पेपर में करो, देखो पेपर में तुम कब तक कर पाओगे, अगर तुम ये तरीका स्ट्राइक कर जाए कि ऐसे करना है, तो इससे हम क्या सीख सकते हैं, इससे हम क्या सीख सकते हैं, सीख, देखो क्या सीखे हम इससे, क्या सीखे तुम इससे, पहला कि कॉमन लेने वाला मेथड जो है, लेने वाला जो हमारा मेथड है वो और भी जगह अप्लाई हो सकता है, तो इस चीज़ को ध्यान रखो कि अगर कहीं ना हो रहा हो, अगर लिख लो ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर कुछ ना हो रहा हो, अगर कुछ ना हो रहा हो तो कॉमन ले लो, तो कॉमन लेकर देख लो एक बार, ले लो है ना, हो सकता है क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। और दूसरा क्या है, अगर स्ट्राइक ना करे, अगर स्ट्राइक ना करे तो क्वेश्चन को छोड़ दो, तो लीव इट। सबसे इंपॉर्टेंट जो टेक अवे था ना अभी तक का, वो ये था कि कॉमन लेने वाला मेथड जो है उसको हर जगह अप्लाई कर सकते हैं, मतलब ऐसा थोड़ा ना कोई भैया इस टाइप के क्वेश्चंस में करेंगे जो गंदी पावर होगी, यहाँ पे इतनी गंदी पावर है नहीं, मैं मान रहा हूँ स्क्वायर है, कोई गंदा नहीं लगेगा देखने में, तो ये एक तरीका है इसको सोचने का, राइट है बिल्कुल, कि अगर स्ट्राइक ना करे तो मतलब सॉरी कि अगर कुछ ना समझ में आए तो एक बार कॉमन लेकर देख लो, हो सकता है क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम करेंगे 2019 जेईई मेंस के
बहुत सारे क्वेश्चंस जो कि इसी के ऊपर बेस्ड हैं, इसी कंसेप्ट के ऊपर, किसके ऊपर, जो मैंने अभी तुम्हें पीएचडी कराने की कोशिश करी है उसके ऊपर बेस्ड है। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं, सब क्वेश्चन नंबर 8, 5x की पावर ये दे रखा है। इसको देखते ही, ये क्वेश्चन की फॉर्म देखते ही समझ में आ रहा है कि इसमें से हमें x की पावर 7 कॉमन ले लेना चाहिए, हाईएस्ट डिग्री कॉमन लेनी चाहिए डिनोमिनेटर से। तो जैसे ही हमने कॉमन ली, हमने x की पावर 7 को कॉमन कर लिया इसमें से, जैसे करोगे तो क्या हो जाएगा, x का क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा नीचे का। तो तुमने x की पावर 7 को कॉमन लिया बाहर, तो फिर तुमने हाथ क्या, देखो एक और बात, x की पावर 7 को कॉमन लोगे तो यहाँ क्या आएगा, x की पावर 14, राइट, क्योंकि स्क्वायर है ना यहाँ पे। तो x की पावर 7 को कॉमन लोगे तो x की पावर 7 इंटू 2 दैट इज x की पावर 14। अब x की पावर 14 जब तुम x की पावर 8 से डिवाइड करोगे या x की पावर 6 से डिवाइड करोगे तो ये बन जाएगा ऊपर, ठीक है। ये क्या हुआ, अरे वाह, चलो मैं इसको करके दिखाता हूँ, है ना, ये सही, मुझे लगा अब नहीं होगा। अरे आ जाओ भाई, तो क्या था ये रहा। अब मैं क्वेश्चन पूरा करके दिखा रहा हूँ फिर से। तो अगर मैंने इसमें एक्स की पावर क्या हो गया ये? हाँ भाई, तो अगर मैंने इसमें x की पावर 7 को कॉमन लिया तो x की पावर 14 हो गया, ये क्या हो गया, x स्क्वायर क्या हो गया, x स्क्वायर हो गया तुम्हारा, देखो पहले इसको देखते हैं, x की पावर 7 को कॉमन लिया है तुमने एक्चुअल में, तो x की पावर माइनस 5 प्लस x की पावर माइनस 7 प्लस 2 का होल स्क्वायर, ऊपर क्या है 5x की पावर 8 है प्लस 7x की पावर 6 है, यहाँ पे है dx, ठीक है, बात समझ में आई, बिल्कुल। अब थोड़ी आवाज़ ज़्यादा अच्छे से आ रही होगी। तो जब मैं इसको इससे काटा है ना, इससे इसे डिवाइड किया तो यहाँ ऊपर क्या हो गया, ऊपर हो गया 5x की पावर क्या माइनस 6, और यहाँ क्या हो गया 7x की पावर माइनस 8, ठीक है। नीचे क्या था, नीचे था x की पावर माइनस 7 प्लस x की पावर माइनस 5 प्लस 2 होल की पावर स्क्वायर dx। अब सुनो, अगर इसको अपन t मान लें, अगर अपन इसको t मान लें तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, मेरा मतलब ये है, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस 7 अपॉन एक्स की पावर 8, इसका क्या हो जाएगा माइनस 5 अपॉन एक्स की पावर 6 प्लस 2 का तो जीरो हो जाएगा, यहाँ लगेगा डी एक्स, यहाँ लगेगा डी एक्स और ये हो जाएगा डी टी। अब अगर मैं इसमें माइनस और यहाँ माइनस लगा दूँ तो तुम्हें लिख रहा होगा कि ये जो लिखा हुआ है ये डी टी लिखा हुआ है ऊपर, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का क्या आंसर हो गया, डी टी अपॉन टी स्क्वायर, और यहाँ है माइनस, प्लस माइनस वन बाई टी, तो माइनस वन बाई टी का आंसर क्या हो गया, वन बाई टी प्लस सी, क्योंकि माइनस ने एक दूसरे को काट दिया, तो वन बाई टी प्लस सी, तो यानी कि वन बाई टी प्लस सी, यानी कि वन बाय टी क्या है, टी 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 है तुम्हारा एक्स माइनस 7 प्लस एक्स माइनस 5 प्लस 2, ठीक है। तो इसको सॉल्व किया अगर, तो सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 2x की पावर 7 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, ऊपर आ गया x की पावर 7 प्लस सी, ये तुम्हारा क्या बन गया, ये तुम्हारा बन गया एफ एक्स, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन पे जाओ जरा वापस, क्वेश्चन वाले बोला कि एफ जीरो जो है वो जीरो के बराबर है, तो बता एफ वन क्या होगा, ठीक है। तो अगर एफ जीरो इसमें डाल दिया जाए, इसमें अगर तुम जीरो डाल दो तो ये तो जीरो हो गया, जीरो की पावर 7 अंदर जो भी होता है यहाँ पे बना जाएगा, तो प्लस सी, और ये किसके बराबर है, जीरो के, तो सी किसके बराबर हो गया, जीरो के, ठीक है। अब इधर आ जाओ, अब बोला एफ वन कितना होगा, तो एफ वन होगा 1 की पावर 7 डिवाइड बाई 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 0 विच इज इक्वल टू 1 बाई 3, दैट इज द आंसर। ऑप्शन में है क्या, झंड हो गई भाई सब, बहुत गर्व की झंड हो गई क्योंकि ऑप्शन मैच नहीं करा, उसका रीजन क्या है, हम लोगों ने बेवकूफ़ी कर दी, यहाँ पे 2 था तो यहाँ पे ये 2 हो गया और ये हो गया 1/4, ठीक है, तो ये आंसर सही हो गया। हाँ भाई, तो तुम्हें ओवरऑल एक फीलिंग आ गई होगी यार कि कितने अच्छे से वो मेंस वाला जो बंदा है वो अप्लाई कर रहा है, जो मेंस का क्वेश्चन था और उसने ये हमारा कंसेप्ट जो था कितने अच्छे से अप्लाई किया। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखने में थोड़ा भयानक लग रहा है, तो पहले क्वेश्चन नंबर 10 को ट्राई करेंगे अपन लोग, ठीक है ना, पहले अपना ये वाला क्वेश्चन ट्राई करते हैं क्योंकि ये देखने में कंप्लीट, मतलब हमारा वो लग रहा है कि ये तो अपना पक्का अपने वाले मेथड से हो जाएगा, राइट है, ये लग रहा है ना देखने में। तो मैं इसका एक हिंट दे रहा हूँ, तो मैं फटाफट से, तुम खुद करना इसको एक बार, चलो मैं खुद ही कर दे रहा हूँ। तो क्या आएगा, ये 3x की पावर 13 है प्लस 2x की पावर 11 है, अब बताओ इसमें क्या कॉमन लोगे, बताओ x की पावर 4 को कॉमन लोगे, x की पावर 4 इंटू 4 x की पावर 16 बाहर आएगा, यहाँ क्या हो जाएगा 2 प्लस 3 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स की पावर 4 होल की पावर 4 डी एक्स, यस। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ये डिवाइड करना पड़ेगा, तो ऊपर हो जाएगा 3 की पावर एक्स क्यू प्लस 2 बाय एक्स की पावर 5, ये 3 है, ठीक है, ये डी एक्स हो गया, और नीचे क्या आ गया, नीचे आ गया 2 प्लस 3 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स की पावर 4, बेटा ये तो सॉल्व हो गया, क्यों, क्योंकि देखो 2 का क्या आ रहा है 0, 3 बाय स्क्वायर का क्या आएगा, 3 बाय स्क्वायर का आएगा तुम्हारा डिफरेंशिएशन आएगा इसका माइनस माइनस 6 बाय एक्स की पावर 3,
ठीक है, फिर इसका क्या आएगा, इसका आएगा माइनस माइनस 1 मिनट, एक्स की पावर 4 है ना, एक्स की पावर 4 है बेटा, अगर एक्स की पावर 4 है तो ये हो जाएगा माइनस 4x की पावर 5 इंटू डी एक्स इक्वल्स टू डी टी, ठीक है ओके। तो अब इधर देखो, ये देखो ये क्या लिखा हुआ है, अगर तुम ध्यान से देखो तो अगर मैं इसमें से माइनस 2 मल्टीप्लाई कर दूँ अपने इसमें, तो ये मेरा वही बन गया जो मेरे पास है, तो ये क्या हो गया, ये डी टी हो गया और ये तुम्हारा टी हो गया, तो तुम्हारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, ये आ गया माइनस 2 डी टी अपॉन टी। अच्छा पहला पॉइंट तो यहाँ पे 4 था, ये चीज़ याद रखो हमेशा, ये भूलना नहीं है, टी की पावर 4 है ठीक है। अब जब तुम इसको करोगे तो क्या आएगा, माइनस 2 इंटीग्रेशन ऑफ, देखो टी की पावर माइनस 4 है ना ये, तो टी की पावर माइनस 4 प्लस 1 डिवाइड बाय माइनस 4 प्लस 1 प्लस सी, सही है क्या? नहीं 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 कुछ गलती कर दी हम लोगों ने क्या? हाँ यहाँ पे 1 अपॉन माइनस 2 होगा, हाँ -1/2। अब हो गया क्वेश्चन सॉल्व, तो अब देखो इसमें डाल देंगे तो -1/2 ठीक है, और टी की वैल्यू डाल दो इसके अंदर यार, तो टी की वैल्यू जब तुम डालोगे तो क्या आंसर आ जाएगा, कि हमें अपना ऑप्शन मैच करना है सबसे इंपॉर्टेंट, इसलिए क्वेश्चन ना लेंदी हो जाता है, बाकी इसमें कुछ नहीं है, कोई गलती नहीं इसमें। ये क्या हो गया, ये हो गया -3 राइट, तो इंटू ये फिर लिखो, फिर 1 अपॉन 2 प्लस 3 बाय x² प्लस 1 बाय x की पावर 4 होल का 3 हो गया ये, अरे यार ये हो गया -3, तो 1 अपॉन t की पावर r हो गया ना प्लस c। अब इसको सॉल्व कर लो, तो सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, ये आ जाएगा तुम्हारा 2x की पावर 4 प्लस 3x² प्लस 1 होल क्यूब प्लस c x की पावर 12, इधर से इधर ये कट गया, ये हो गया 1/6 ठीक है, ये तुम्हारा फाइनल आंसर आ रहा है। देखो इधर ऑप्शन में मैच करो कुछ मिल रहा है क्या, है भाई x की पावर 12 ये लग रहा है, ये है अपना, हाँ यही है ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 भी हो गया, अच्छा अब देखते हैं 11वां क्वेश्चन। हाँ भाई तो इस क्वेश्चन में क्या समझ में आ रहा है तुम्हें बताओ, वही है सेम टू सेम, डी एक्स है यहाँ पे, एक्स क्यूब है, मैंने इसमें से एक्स की पावर 6 को कॉमन ले लिया, तो एक्स की पावर 6 को अगर तुम कॉमन लोगे तो x की पावर 6/2/3 ये बाहर निकल के आएगा राइट है, और इधर क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा x की पावर -6 और ये हो जाएगा +1, ये हुआ बिल्कुल। अभी ना मैं इसका एक और तरीका दिखाऊंगा कि कैसे इसको होता है, क्योंकि यहाँ पे एक बड़ा गजब की चीज़ देखी है, ये वो भी बात की बात है, वो भी देख सोच लेंगे इसके बारे में ठीक है। तो अब क्या करेंगे, तो ये हो जाएगा 3 इधर से कर दी, 4 हो जाएगा, तो dx की पावर ये ऐसा हो जाएगा dx/x की पावर 7 हो जाएगा ये, और नीचे क्या आ गया, नीचे आ गया 1, अरे ये तो क्वेश्चन हो गया तुम्हारा, बहुत सिंपल था ये तो भाई। इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, इसका डिफरेंशिएशन होता है -6/x की पावर 7, तो यहाँ -6 कर लो राइट, तो ये क्या हो गया, अगर ये t है तो ये dt है राइट, तो dt, तो मैंने इसको आगे तक सॉल्व कर दिया जैसे कि टाइम वेस्ट ना हो, तो हमारे पास फाइनली सॉल्व करके ये आ रहा है आंसर मेरा ठीक है। पर तुम्हें समझ में आ रहा होगा कि क्वेश्चन वाले ने क्या पूछा है, क्वेश्चन वाले ने तो कुछ और ही पूछा है, क्वेश्चन वाले ने पूछा है fx की वैल्यू बता मेरे को, तो तुम fx की यानी कि मुझे 1 प्लस x की पावर 6 में चाहिए ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लो, तो ये क्या लिखा है, 1 प्लस 1/x की पावर 6 होल की पावर 1/3 प्लस सी यहाँ पे है -1/2 राइट है, तो ये हो गया x की पावर 6 प्लस 1/x की पावर 2 हो गया ये, अरे बाहर निकलेगा तो ये हो जाएगा, अगर x की पावर 6 बाहर निकलेगा 1/3 तो x² ही हो जाएगा ना, ये हो गया 2x², ये हो गया माइनस प्लस सी। अभी भी यहाँ पे दिक्कत हो सकती है, देखो कितने गजब तरीके से सिली मिस्टेक करवा सकता है तुमसे, 1 प्लस x की पावर 6 होल बाय 1/3 इसके साइड में जो भी उसको हमने xfx बोला है, अच्छा तो ये तो सही है, इसके अलावा जो बच गया, ये जो बच गया ये यानी कि -1/2x², ये है xfx के बराबर, तो fx क्या हो गया, ये -1/2x³ ये आंसर है इसका समझे। लेकिन तुम ये समझो ओवरऑल कि तरीका कितना सिंपल है, मतलब क्वेश्चन तो सिंपल हो गया ना यार, वैसे इंडिफरेंट तो पता नहीं क्या क्या पूछता है इंडिफरेंट, तो है ना अप्लाई तो हमेशा एक ही क्वेश्चन हो रहा है, एक ही तरीका यूज़ हो रहा है ना इसमें। ये क्वेश्चन तो खैर कुछ ज़्यादा ही सिंपल है, ये मैंने फालतू में इस कैटेगरी में डाला, क्योंकि अगर देखा जाए तो देखो x की पावर 4 है ये, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा 3x³, एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1 होगा, रुक जाओ इसमें ये मेथड लगेगा क्या, ये हम अपने वाले तरीके से ही करें, तो ये क्वेश्चन ना थोड़ा अलग है, मतलब अलग से मतलब वैसे सिंपल है
मतलब अगर तुम इसमें सिर्फ एक्स की पावर फोर कॉमन ले लो मान लो, ठीक है, तो क्या आएगा, वन प्लस एक्स की पावर माइनस थ्री हो जाएगा डिनोमिनेटर में, और ऊपर क्या जाएगा, टू एक्स क्यू माइनस वन डी एक्स। फिर जब एक्स की पावर फोर को ऊपर न्यूमरेटर से डिवाइड करोगे तो आएगा टू बाई एक्स माइनस वन बाई एक्स की पावर फोर, और नीचे आएगा वन प्लस एक्स की पावर माइनस थ्री। अगर तुमने इसको टी ले लिया, अगर तुमने इसको टी ले लिया तो तुम्हें समझ में आ रहा होगा कि ऊपर जो बन रहा है वो इसका डी टी नहीं है, वो इसका डी टी नहीं है, यानी कि हम एक्स की पावर फोर कॉमन नहीं लेंगे। फिर हम क्या कॉमन लेते हैं, हमारा सेकंड हमेशा क्या होता है, एक्स स्क्वायर कॉमन लेकर देखते हैं हम लोग उसके बाद, ठीक है। मैंने इसका क्वेश्चन कराया था इस टाइप का, तो टू एक्स क्यूब माइनस वन, और तो हम क्या करेंगे इसमें से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, तो एक्स का कॉमन ले लोगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय एक्स आएगा, राइट। तो लिख देते हैं एक्स माइनस वन, यहाँ गया डी एक्स, कोई दिक्कत नहीं है। फिर एक्स स्क्वायर इधर जाएगा तो क्या आएगा, टू एक्स माइनस वन बाय एक्स स्क्वायर, और ये क्या हो गया, ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन डी एक्स। नाउ व्हाट इज दिस इक्वल्स टू, अगर ये टी है तो ये क्या है, तो मैं देख रहा होगा ये डी टी है, सेम बिल्कुल कॉपी पेस्ट एकदम ये, तो क्या हो गया डी टी अपॉन टी, द आंसर इज लॉग के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन प्लस सी। इसको खोल लोगे तो क्या आएगा, इसको खोल लोगे तो आएगा एक्स क्यूब प्लस वन बाय एक्स मॉड के अंदर, तो एक्स क्यूब प्लस वन बाय एक्स, एक्स क्यूब प्लस वन बाय एक्स, ये ऑप्शन थ्री सही हो गया, ठीक है। हाँ साहब, तो अभी जो क्वेश्चन नंबर 13 है ये एक्चुअली गलत कैटेगरी में आ गया, ये एक्चुअली ये क्वेश्चन है ही नहीं, क्योंकि इसमें तुम एक्स को एक्स कॉमन लेने की जरूरत ही नहीं लग रही, क्यों, क्योंकि ये तो स्क्वायर है, तो स्क्वायर में तुम्हें ये समझ में भी नहीं आएगा कि गंदी पावर है, गंदी पावर नहीं है ना ये, मतलब स्क्वायर तो यार एक अच्छी पावर होती है। तो ये वाला जो क्वेश्चन है ये अभी मैं इसके आगे कराऊंगा, ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन जो हम पढ़ लेंगे ना तब करेंगे ये, ठीक है। अभी फिलहाल क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। अच्छा, उससे पहले ये देखो, पहले क्वेश्चन नंबर 15, ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ये तो हम पहले भी कर चुके हैं इस टाइप की चीज़ें। क्या है, x प्लस वन है और नीचे दे रखा है रूट के अंदर 2x माइनस वन। अभी बताओ, ये कुछ ज़्यादा ही सिंपल नहीं लग रहा देखने में, सिंपल लीनियर टर्म्स है, गंदी पावर है ही नहीं है। तो लीनियर टर्म्स में हम क्या करते थे, याद है, 2x माइनस वन को क्या कर लेते थे, पूरे कोई टी मान लेते थे, यस। तो 2x माइनस वन क्या हो गया, ये समझ में आया, तो ये मैं करा चुका हूँ, मुझे याद आ रहा है शायद, टी स्क्वायर बाय थ्री बाय टू, ये हो गया ऊपर है ना, क्योंकि यहाँ पे प्लस वन करना पड़ेगा, और नीचे हो गया टी, और ये हो गया डी, डी एक्स कितना हो गया इसका, एक सेकेंड डी एक्स निकालो, डी एक्स हो गया इसका आपका टू टी डी टी बाय टू, तो ये कट जाएगा, तो टी डी टी हो गया, सही है, टी डी टी ये हो गया, तो टी से टी कट गया, क्या बच गया, टी स्क्वायर प्लस थ्री, यहाँ पे भी डी टी, यहाँ पर भी डी टी, वन बाई टू आया बाहर, ये इंटीग्रेशन और ये इंटीग्रेशन, क्या आ गया, टी क्यूब बाय सिक्स, टी क्यूब बाय सिक्स प्लस थ्री टी बाय टू, है ना, क्योंकि वन बाय टू तो यहाँ पर भी आएगा। तो जब हमने इतना करा, आप इसके बाद क्या करेंगे, तो इतना होने के बाद अब मैं बोल सकता हूँ वही टी क्यूब बाय सिक्स है, और मेरा टी क्या है, टी है रूट के अंदर टू एक्स माइनस वन, ओके तो रूट के अंदर 2x माइनस वन का होल क्यूब डिवाइडेड बाय 6 प्लस 3 टाइम्स रूट के अंदर, कुछ गड़बड़ लग रही है, 2x माइनस वन बाय 2 प्लस सी, ठीक है। और मुझसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि रूट 2x माइनस वन के साथ में क्या है, तो मेरी बात सुन पहले, इतना सिंपल मतलब इतना टफ है नहीं है, देखो रूट 2x माइनस वन का क्यूब क्या होगा, वो होगा 2x माइनस वन रूट 2x माइनस वन डिवाइड बाय 6 प्लस 3 रूट 2x माइनस वन बाय 2 प्लस सी, यही लिखा हुआ है बिल्कुल। तो इससे हम क्या बोल सकते हैं, इससे हम ये बोल सकते हैं कि अगर हमें 2x माइनस वन का हटा लूँगी, बस मुझे रूट 2x माइनस वन कॉमन ले लो इसमें से, है ना, रूट 2x माइनस वन माइनस वन से ले लिया कॉमन, तो तुमने कॉमन लिया, इधर क्या बच गया, इधर बच गया 2x माइनस वन बाय 6 प्लस 3 बाय 2, राइट है, और ये है प्लस सी, तो यही तुम्हारा आंसर हो गया, जो तुम्हारा एफ एक्स है वो यही तो है ये। तो इसको सॉल्व करना, थोड़ा हल्का सॉल्व करेंगे इसको, अगर हम तो लगा देंगे इधर 9 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, तो 2x माइनस 8 आ रहा है, 2x माइनस 8 बाय 6, पर ये तो ऑप्शन में है नहीं, यह है सेकेंड, तो फिर ये हो गया 2x माइनस 8 बाय 6, तो दैट इज x माइनस 4 बाय 3, x माइनस 4 बाय 3, x माइनस 4 बाय 3 नहीं, ये है 2x माइनस 4 बाय 3, तो कुछ गड़बड़ कर दिया हम लोगों ने, यहाँ पे जरा सी गलती कर दी, यहाँ पे 2x प्लस 8 होगा, ठीक है, यहाँ पे प्लस होगा, यहाँ पे x प्लस 4 बाय 3 इज द आंसर, ठीक है, हो गया क्वेश्चन सॉल्व, कुछ था भी नहीं इसमें, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15, ये तो बल्कि हमारा ये इस वाले मेथड का है भी नहीं, ये तो वो वाला है जिसमें हमें टी लेना होता है। तो तुम आप समझ में आ रहा है कि हम टी कब लेते हैं और हम अपना कॉमन लेने वाला क्वेश्चन कब करते हैं,
है ना। टी हम तब लेते हैं जब बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन हो, भाई लीनियर लीनियर टाइप का कुछ दिख रहा है, और क्या नाम है कॉमन तब लेते हैं जब कुछ बड़ी गंदी सी पावर हो, जैसे मान लो एक्स की पावर 4/3 इस टाइप का कुछ गंदा सा। राइट, चलो अब एक्स की पावर अभी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देख रह गया मेरा, क्वेश्चन नंबर 14 ठीक है। 13 वाला मैंने बोला सब्स्टिट्यूशन करेंगे, और कौन सा रह गया था, और एक ये रह गया था क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 और 13 करते हैं पहले, क्वेश्चन नंबर 9 और 14। हाँ भाई, तो इस क्वेश्चन में तुम्हें क्या लगता है क्या कर सकते हैं? तो एक तो मुझे ये समझ में आ रहा है कि यहाँ पर जब मैं कॉमन लूंगा जब भी, तो कॉमन में पहले बार तो न्यूमरेटर से लूंगा, डिनोमिनेटर से नहीं लूंगा। न्यूमरेटर से लूंगा क्योंकि न्यूमरेटर में कितनी पावर है। तो चलो पहले एक्स का कॉमन लेते हैं, जो हाईएस्ट डिग्री है वही कॉमन लेकर देखते हैं पहले। तो अगर एक्स का कॉमन लेंगे तो बाहर तो एक्स आएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ जाएगा 1/(-1)/(x^4) है ये, राइट है। तो ये कट के हो जाएगा एक्स क्यूब, ये हो जाएगा dx, सही है। तो 1/(x^2-1) रूट के अंदर आ चुका है, क्या गया है 1/(x^2-1)/, ये है एक्स क्यूब, और यहाँ पे आ गया है dx। इसका इंटीग्रेशन करना है, कैसे करेंगे बताओ भाई, कैसे इसका हम इंटीग्रेशन सोचें, क्योंकि जो हमारा एक सेकेंड सोचा जा सकता है। देखो 1/(x^2-1) इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, इसका डिफरेंशिएशन होगा -2/(x^3), ये होगा क्योंकि -1 का तो 0 हो जाएगा, -2/(x^3). तो अगर मैं यहाँ कर दूँ -2 लगा दूँ मल्टीप्लाई करके, नहीं यहाँ -2 नहीं लगाऊंगा, यहाँ लगाऊंगा ऐसे करके, देखो 1/(-2) लगा दूँ और यहाँ पे एक -2 मल्टीप्लाई कर दूँ इसके अंदर, ठीक है। तो ये क्या बन गया, ये जो अंदर है, अगर अंदर को टी मान लें तो ये dt हो गया, सही बोल रहा हूँ मैं एकदम, राइट है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया √t dt, यहाँ क्या गया 1/2 मतलब माइनस का। तो अब ये √t का वो क्या होता है, √t का इंटीग्रेशन क्या होता है, 2/3 ऐसे होता है ना, 2/3 t^3/2 +c, और एक 1/2 तो आएगा ही साथ में -1 का, तो ये और कट जाएगा, तो क्या बच गया -1/3 t^3/2 +c। अब मैंने t के लिया था 1/(x^2-1), तो 1/(x^2-1)^3/2 यहाँ पे आ गया -1/3 +c। तो तुम देख रहे हो कि मतलब यार ये मेथड कितना अच्छा है, मतलब हर जगह लगभग अप्लाई हो जाता है, और जहाँ नहीं होता वहाँ टी हो जाता है ना, वहाँ टी वाला मेथड हो जाता है कि हाँ उसको पूरे रूट को टी ले लो। फिलहाल इसको करते हैं, पहले कंप्लीट करते हैं इसको, तो हो जाएगा 1/(x^2)/(x^2)^3/2 ये है -1/3 +c, और इज दिस इक्वल टू, तो ऊपर वाला क्या हो गया, ऊपर वाला हो गया 1 - x^2 √1 - x^2। ये समझ गए कि मैंने क्या करा, ये मैंने सीधे 3 ले लिया ना, समझ गया क्या करा मैंने यार ये, क्योंकि जब x^3/2 होता है तो हम सीधे लिख देते हैं x√x, तो वही किया मैंने यहाँ पे 1 - x^2 को x मांग के कर लिया है, ठीक है। ऐसे हो गया, तो और नीचे क्या गया, नीचे आ गया x³, ठीक है, और यहाँ गया 3, और ये है माइनस में, और ये रहा +c। अब बताओ मुझे क्वेश्चन में क्या पूछा गया, क्वेश्चन वाले नंबर जो क्वेश्चन वाले भैया हैं उन्होंने मुझसे पूछा कि ax मतलब ax, और यहाँ पे बोला m, तो तुम्हें m तो समझ में आएगी, वो m क्या है, m1 है, क्योंकि हमारा जो रूट वाला आया है, ये जो आया है ये, इसमें जो ये है, ये जो है ये 1 है, राइट। तो m तो 1 हो गया, m 1 हो गया, और जितना बच गया, जितना ये बच गया नौटंकी, जितनी भी नौटंकी बच गई उसको हमने क्या बोल दिया है, वो है मेरा ax, राइट। यहाँ पे ना मैं थोड़ा सा एक काम गलत कर गया, देखो यहाँ से ये, यहाँ से हमारा इतना आ गया था, इतना तो आ गया था हमारा। इसके बाद मैंने क्या करा था, इसके बाद मैंने बोला था 1 - x^2 / x^2, फिर हो गया था ये 3/2 + c, और यहाँ था -1/3, सही है बिल्कुल। फिर -1/3 x³, क्योंकि x² बाहर निकल गया है ना 3 से कट के, इधर क्या बच गया, रूट के अंदर 1 - x^2 / c। अब ये मेरे क्वेश्चन वाले फॉर्मेट में आ गया, क्वेश्चन वाले फॉर्मेट में क्या दे रखा था, क्वेश्चन वाले में दे रखा था a^x 1 - x^2 / m + c। तो बताओ m कितना हो गया, m हो गया 3, ठीक है, और ax कितना हो गया, तो ax हो गया -1/(2x^3), सॉरी 3x³। तो अब उन्होंने बोला है कि ax^m बताना है तुम्हें, यानी तुम्हें ax^m यानी कि 3 है ना, तो ax^3 क्या होगा, वो होगा -1/27 x^9, ठीक है, -1/(x^9) ये, तो इसका आंसर हो गया ये का, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 14 भी हो गया, कुछ नहीं था इसमें, बस इतनी सी बात थी कि न्यूमरेटर से निकालना था, बाकी तो और सिंपल क्वेश्चन ही था, ये कुछ था नहीं इसमें, ठीक है।
अब रह गया क्वेश्चन नंबर 13 और क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 अभी तक का अट्रैक्शन लग रहा है मेरे को देखने में, क्योंकि देखने में कुछ भयानक वाली फीलिंग्स ही आ रही है, राइट। हाँ भाई, तो क्या आ गया हमारे पास, अब ये क्वेश्चन पे आ रहा हूँ मैं फाइनली, क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 आया था 10 जनवरी शिफ्ट 1, ठीक है ना, 10 जनवरी शिफ्ट 1 में आया था ये। देखते हैं क्या है। तो हमारे पास है इंटीग्रेशन ऑफ साइन एन थीटा। देखो ये वाली फीलिंग तो तुम्हें आई होगी, बहुत ही गंदी सी पावर्स हैं इसकी, और इसलिए मेरे को ये स्ट्राइक करा कि हाँ इसमें ये वाला मेथड लग सकता है। मैं श्योर नहीं हूँ अभी भी इस क्वेश्चन पे कि इसमें लगेगा या नहीं लगेगा। तो साइन की पावर एन प्लस वन थीटा, राइट, और ये हो गया डी थीटा। ये क्वेश्चन है, सोचिए देखो मेन सा क्वेश्चन है, एन इज़ ग्रेटर दैन इक्वल्स टू बी अ नेचुरल नंबर, यानी एन जो है वो दो से बड़ा है या बराबर हो सकता है, थीटा जो है वो जीरो से पाई बाय टू के बीच में है। अब बोला है बता क्या इसका आंसर बैठेगा, क्या इसका आंसर जो है वो आएगा। तो देखो पहली चीज़ तो मुझे स्ट्राइक कर रही है कि इसमें से कॉमन ले लिया जाए, इसमें से कुछ चीज़ें कॉमन लेनी पड़ेंगी अपने को। तो अगर अपने को कॉमन लेना है कुछ चीज़, और उसमें मेरे को दो चार चीज़ें और दिख रही हैं, क्या दिख रही हैं बताओ। देखो ये क्या है, कॉस थीटा, यानी कि एक सेकेंड, कॉस थीटा यानी कि साइन थीटा क्या है, ये डेरिवेटिव है, और साइन थीटा तुम्हारे पास पूरे एक्सप्रेशन में छाया हुआ है। तो फिर अगर कॉस थीटा है ना, तो कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन होता है साइन थीटा। तो अगर मैं साइन थीटा को क्या मान लूँ, मान लो मैंने मान लिया इसको टी, ठीक है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, कॉस थीटा डी थीटा विच इज इक्वल टू डी टी। कई बात समझ में आ रही है। तो अभी ये एक्सप्रेशन क्या बन गया, ये एक्सप्रेशन बन गया टी की पावर एन प्लस टी होल की पावर 1/n, फिर cos थीटा डी थीटा क्या हो गया डी टी डिवाइडेड बाय, ये क्या हो गया t की पावर n प्लस 1, ठीक है, और ये है। अब फिर भी फीलिंग आ रही है कि हाँ भाई साहब इसमें कुछ हो सकता है, क्योंकि बहुत ही गंदी गंदी सी पावर्स हैं। तो अब मेरा पहला स्टेप क्या होगा, t की पावर n को कॉमन लेना। जब तुम t की पावर n कॉमन लोगे तो 1/n से कट के t कॉमन आ पाएगा सिर्फ, है ना, इधर तो t की पावर n कॉमन लिया है, तो तुमने इधर क्या हो गया 1 + 1/t^n-1, राइट। क्या किया हमने, बोला हमने t की पावर n को कॉमन लिया इसमें से, फिर इधर क्या है, इधर है t की पावर n प्लस 1, इसने इसको काट दिया, तो t की पावर n बचा नीचे डिनोमिनेटर में, ये है dt चल रहा है बिल्कुल, ठीक है। तो अब क्या, अगर मैं बोलूँ 1 + 1/tn-1 है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, इसका डिफरेंशिएशन होगा, देखो एक बताओ, जब मैं बोलता हूँ 1/x² का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो तुम बोलते हो -2/x³, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, -n-1/t^n बढ़ जाएगा ना एक, ये दो इसका डिफरेंशिएशन, और मुझे अपने डिनोमिनेटर में क्या दिख रहा है t की पावर n दिख रहा है, तो मैं क्या करूँगा 1/-n-1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लूँ, यहाँ पे भी ये कर ले रहा हूँ, बिल्कुल सही है। तो अगर ऐसे किया, अगर हमने ऐसे किया, अगर ये काम करा हम लोगों ने, तो इसके बाद हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं कि 1/n 1-n हो गया ये, तो ठीक है, और इंटीग्रेशन में ये आ गया, फिर ऊपर है 1 + 1/t^n-1 होल, सॉरी। उसके बाद ये जो है, अगर ये u है तो ये क्या है, तो ये है du, ठीक है, तो ये हो गया u की पावर 1/n। ठीक है, ये तो हुआ 1/1-n u की पावर 1/n du, थोड़ा अच्छे से लिख देते हैं, नहीं क्या बच्चे वाले तरीके से हो गया, तो u की पावर 1/n du। अब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, u की पावर 1/n+1/1+1, ठीक है, हो गया तुम्हारा क्वेश्चन सॉल्व, कुछ था नहीं इसमें ज़्यादा, बस इतनी सी बात है कि साइन थीटा और कॉस थीटा के बीच में वो डालना था, जो काफ़ी तक एक स्ट्राइकेबल चीज़ है, मतलब स्ट्राइक कर सकती है किसी को भी। ये क्या होगा, तो ये हो गया u की पावर n+1/n/, अच्छा मैंने u लिया क्या है, मैं ये भी लिख रहा हूँ साइड में, u मैंने लिया क्या है, तो u मैंने इसको लिया है 1/1+t^n-1, दैट इज साइन की पावर n-1 थीटा, ये मैंने u ले रखा है इसमें, ठीक है। तो क्या आएगा, ये आएगा, और नीचे क्या गया n+1/n, तो ये, और ये हो गया 1-n², प्लस सी, ठीक है। अब इसमें सब्सटीट्यूट करो, n/1-n² है, और u इस तरह से है, तो हम बोलेंगे 1+1/sin^(n-1θ)^(n+1/n+c). यहाँ ना मैंने क्वेश्चन में एक प्रिंटिंग मिस्टेक कर दी, यहाँ पे प्लस नहीं है, यहाँ पे माइनस है, तो यहाँ पर भी माइनस हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर भी माइनस हो जाएगा, तो फिर यहाँ पर भी माइनस हो जाएगा, और अगर यहाँ पर माइनस हो गया
तो यहाँ पर भी माइनस हो जाएगा। अगर यहाँ पर माइनस हो गया तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, एन माइनस वन बाई, यहाँ पर मतलब माइनस नहीं आएगा, मतलब एन माइनस वन बाई टी की ओवर एन। अगर ऐसा हो गया तो यहाँ पर वन माइनस एन ना करके क्या आएगा, एन माइनस वन आएगा, ठीक है। फिर इसका, फिर यहाँ पे क्या आएगा, एन माइनस वन आएगा, ठीक है। फिर ये आएगा एन प्लस वन, जब इसको तुम सॉल्व करोगे यहाँ पे ऐसे करके, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एन प्लस वन बाई एन, तो ये वाला एन तो इधर चला जाएगा, तो ये एन आ गया। फिर एन माइनस वन इंटू एन प्लस वन करोगे तो क्या आएगा, तो ये आ जाएगा तुम्हारा एन स्क्वायर माइनस वन, इधर भी आ जाएगा एन स्क्वायर माइनस वन। और जस्ट बिकॉज अब यू क्या हो गया, अच्छा ये बताओ यू क्या हो गया, तो तुमने जो यू लिया है वो तो वन माइनस है ना, तो यहाँ पर भी माइनस हो जाएगा, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अगर यहाँ पर माइनस हो गया तो यहाँ पर भी माइनस हो जाएगा, बस एक जरा से माइनस के चक्कर में काफ़ी चीज़ें चेंज हो गई, ठीक है। तो बस ये तुम्हारा फाइनल आंसर हो गया। अब लेट्स चेक कि ये ऑप्शन में है या नहीं है, एन अपॉन एन स्क्वायर माइनस वन, और ये ऑप्शन में है, राइट, ये रहा, नहीं ये नहीं, ये एन अपॉन एन स्क्वायर माइनस वन, वन माइनस है ना हमारा, तो वन माइनस वन अपॉन एस की पावर साइन की पावर एन माइनस वन थीटा, ये ठीक है, बिल्कुल ये हमारा आंसर है। तो इस क्वेश्चन में तुम्हें क्या लगा, इस देखो जब तुमने इस क्वेश्चन को देखा तो तुम्हें पता चला होगा कि इस क्वेश्चन में सिली मिस्टेक बहुत हो सकती हैं, पर ये क्वेश्चन करा जा सकता है, क्यों, क्योंकि ये चीज़ बहुत स्ट्राइकेबल थी कि कॉस थीटा और साइन थीटा ऐसा है, और फिर ये चीज़ तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्राइकेबल थी कि गंदी सी पावर्स हैं, तो हमारा गंदा पावर वाला जो मेथड है वो लगेगा कॉमन लेने वाला, और वो लगा पूरा क्वेश्चन उसी से सॉल्व हो गया। बल्कि आगे अगर तुमने नोटिस किया हो तो यहाँ पे फिर से गंदी की पावर बनी, तो हमने फिर से उसको दोबारा डिफरेंशिएट किया, दोबारा हमने उसमें वो ले लिया, तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था मेंस की तरफ से, मतलब जिसको भी ये तरीका इलस्ट्रेट करना है उसके लिए बहुत ही अल्टीमेटम क्वेश्चन हो जाएगा इलस्ट्रेशन के लिए, ठीक है। अभी एक और क्वेश्चन करते हैं।